पूर्णिया यूनिवर्सिटी की एक बड़ी अपडेट, पार्ट टू बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आप एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, या आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी बीकॉम वाला स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा, आपको इस साइट पे आना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ अपना यूजर नेम फिल करेंगे, यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे, यहाँ से अपना कॉलेज चूज कर लेंगे और ये एक कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड पासवर्ड ही है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो फॉरगेट योर पासवर्ड इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और रिसेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड आ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे, हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ अपना कॉलेज का नाम चूज कर लेंगे और ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, यहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना सिलेबस चूज कर लेंगे, हम सेकंड में है तो 2021 चूज कर लेंगे, यहाँ सेशन चूज कर लेंगे, यहाँ से कोर्स चूज कर लेंगे, यहाँ से डिसिप्लिन चूज कर लेंगे, यहाँ पॉलिटिकल साइंस मेरा है तो पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, यहाँ सेमेस्टर ईयर चूज कर लेंगे, सेकेंड ईयर है, यहाँ टाइप चूज कर लेंगे, बैक है या रेगुलर है, हम रेगुलर हैं तो रेगुलर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपका पूरा सब्जेक्ट का नाम और टाइम और डेट दिया हुआ है, कब एग्जाम है, कब कहाँ है, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर भी दिया हुआ है, यहाँ डीएस कॉलेज कटिहार मेरा दिया हुआ है, नेम ऑफ कॉलेज हम आरडीएस कॉलेज से है तो ये भी दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।